हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ पैंट प्लाजो के बॉटम का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पैंट प्लाजो की स्टिचिंग की हुई है और नीचे की तरफ 3 इंच ये फोल्डिंग के लिए हमने लिया है। तो यहाँ पे जहाँ पे फोल्डिंग का निशान है वहाँ से 2 इंच का निशान हम अलग से लगाएंगे। जहाँ से फोल्डिंग है उसको मैंने प्रेस कर लिया है, उसके ऊपर 2 इंच का एक निशान लगा लीजिए। इस तरह आपने मार्किंग कर लेनी है और इस निशान को सीधा कर लीजिए। इस लाइन को हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है और जो ये मार्जिन है बिल्कुल दोनों साइड बराबर रखना है, या इसकी साइड 2 और दूसरी साइड भी 2। इस लाइन को हमने सीधा कर लिया है। अब हम ऊपर एक और निशान लगाएंगे। इस निशान के ऊपर एक निशान और लगेगा, वो निशान हमारा 3 इंच का लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने 3 इंच का निशान इस तरह लगाना है और इस लाइन को भी हमने सीधा कर लेना है। यहाँ पे अगर डिज़ाइन की विड्थ आप थोड़ा कम रखना चाहते हैं, 2 इंच के करीब भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और नाप के मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जब डिज़ाइन बन जाएगा तब देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको कट कर देना है। ये जो 3 इंच की पट्टी है इसे हम यहाँ से निकाल देंगे और इसी जगह पर डिज़ाइन बनेगा जो हमारा बनना है। तो लीजिए, यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी है, इसको यहाँ से उठा देते हैं। उठाने के बाद हम एक कपड़ा और लेंगे, इसमें जो पट्टी हमने निकाल दी है वो यूज़ नहीं होगी, लेकिन दूसरी पट्टी हम बनाएंगे। जैसे हमने 3 इंच काटा था उसको, तो यहाँ पे ये हमने 4 इंच लेना है, 1 इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि इसके बीच में सिलाई भी आएगी। और इस पट्टी के ऊपर मैंने 1-1 इंच के विड्थ पे, 1-1 इंच के मार्जिन पे निशान लगा लिए हैं। ये जो निशान है हमारे 1-1 इंच के गैप पे हैं, तो यहाँ पे हमने पिनटेक्स डालने हैं। पूरी पट्टी में आप 1-1 इंच के बाद पिनटेक्स के लिए ये निशान लगा लीजिए। और यहाँ पे जितनी आपकी ये चौड़ाई है उससे आपने ज़्यादा लेना है इसको। देख लीजिए आप, यहाँ पे ये जो पट्टी ली है मैंने 19 से 20 इंच की ली है। बाद में इसकी कटिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, पहले हम इसको पिनटेक्स डाल लेते हैं। और यहाँ पे ये लेस लगेगी इसकी पिनटेक्स के अंदर। जब पिनटेक्स हम डाल लेंगे उसके बाद जब पट्टी को हम जोड़ेंगे तो इसमें ये वाली लेस का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये पट्टी ली है, इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके बिल्कुल कोई गैप नहीं देना है, बस एक आपने सिलाई लगानी है। जस्ट आप एक सिलाई लगा दीजिए इस तरह, और गैप वाले जो पिनटेक्स हैं वो नहीं डालने हैं, बिल्कुल साथ में ही, बिल्कुल जब आपने मोड़ा है वहीं पे आप सिलाई लगाएंगे। अब आपने इसको बिल्कुल सीधे पिनटेक्स डालने हैं, बिल्कुल सीधी सिलाई आपकी होनी चाहिए, यहाँ पे ये टेढ़ा नहीं होगा बिल्कुल भी। आप अगर चाहते हैं बिल्कुल सीधा रखना तो आप इसे एक बार प्रेस भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ हमने कट्स लगाए हैं। इसी तरह मैं इसको फोल्ड करते जा रही हूँ और बिल्कुल बारीक एक एक सिलाई लगाते जा रही हूँ। तो यहाँ पे सारे पिनटेक्स डालकर आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो लीजिए, सारी पट्टी में हमने इस तरह पिनटेक्स डाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर लेस को लगाएंगे। आप एक बार इसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ये जो हमने 3 इंच की पट्टी निकाली थी इसको आप इस तरह मार्जिन देके लगा सकते हैं। इसके नीचे ये कपड़ा भी डबल हो जाएगा और आपको आइडिया भी रहेगा कि आपने सिलाई कहाँ पर लगानी है। यहाँ पर हम थोड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको इस तरह जोड़ लेंगे। सिलाई का मार्जिन आपने नीचे की तरफ छोड़ना है, ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल किनारे पर जोड़ेंगे, नहीं तो फिर ये इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी पट्टी की। तो इस तरह हमने इसको सिल लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको आप हल्का सा काट सकते हैं। पट्टी को इस तरह कपड़ा जोड़ने से पहले आपने एक बार प्रेस जरूर कर लेना है, उससे आपके पिनटेक्स बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो जाएंगे। इस तरह हमने इसको सिल लिया है। अब हम थोड़ा सा इसको कटिंग कर लेंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ थोड़ा मार्जिन जो ज़्यादा है, बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन हमने इसमें रखना है। जो जितना हमारा सिलाई में आएगा बस उतना ही रखेंगे और पट्टी के अकॉर्डिंग इसकी शेप दे लेंगे। जैसे हमारी पट्टी की शेप थी वैसे ही हम इसकी शेप दे लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको भी मैं इस तरह कट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर लेस जोड़ लेंगे। इस तरह आपने इसको रख लेना है और ये जो हमारे पास लेस है ये डबल साइड लेस है, जैसे बीच में से ये होल्स वाली है और साइडों में इसकी पट्टी है, तो ये इसमें लगेगी। यहाँ पे लेस आप अपनी पसंद की कोई भी लगा सकते हैं। इस तरह हमने पिनटेक्स वाली पट्टी को सीधा रखना है, लेस को उल्टा रखना है। लेस को उल्टा रख के बिल्कुल किनारे पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपने उसी जगह लगानी है जो हमारा दिखे ना, जैसे इसके बीच में किनारी है जो साइड पे, उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। और मार्जिन आपने उतना ही रखना है जितना आपने छोड़ा था, जैसे कि 2 पॉइंट का। इसको हमने बिल्कुल सीधा लगा लेना है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह लेस को लगा लेंगे। ये जो है शेप आपने पट्टी की पूरी सेट कर लेनी है।
और इस साइड भी हमने लेस को सेम ऐसे ही अटैच कर लेना है। ये लीजिए लेस हमारी दूसरी साइड भी लग गई है। अब हम इसे इस तरह टर्न करें। इस तरह टर्न करने के बाद हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये जो सिलाई लगनी है ये बिल्कुल बारीक बखिए से आप लगाइएगा और जो कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाइएगा ताकि जो एक्स्ट्रा सिलाई वाला मार्जिन वाला कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाए और इस लेस के अंदर से बिल्कुल दिखे ना। इसी तरह हमने दोनों साइड पहले सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद ये हमारा पैटर्न इस तरह का बन गया है। अब हम इसको पैंट प्लाजो के अंदर जोड़ेंगे। पहले हम इसको नीचे वाले हिस्से में जोड़ लेते हैं जो हमारा फोल्डिंग वाला है तो उसमें हमने इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये जो हिस्सा है हमारा फोल्डिंग वाला है ये जो है ऊपर वाला हिस्सा है ये हमने जो 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था जो 2 इंच वाला मार्जिन है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। रखकर हम इसके ऊपर इसको अटैच कर लेंगे। आप इस तरह रखिएगा लेस का फेस ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये इजीली अटैच हो जाएगा। यहाँ पे सेम वैसे ही आपने लेस के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है और इसको बाद में फिर टर्न कर देना है दूसरी तरफ। सिलाई आप बड़े ध्यान से लगाइएगा लेस बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए। तो लीजिए ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमने इसको भी दबाव की सिलाई लगाकर इस तरह कवर कर लेना है और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम फोल्डिंग करके तुरपाई कर देंगे और ये फिर आपका नीचे वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। तो लीजिए ये इस तरह लेस लग चुकी है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इस तरह अभी कच्ची सिलाई लगा देते हैं उसके बाद यहाँ पे हम हेमिंग कर देंगे यानी कि तुरपाई कर देंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह दिखेगा। अब हमने इसके ऊपर वाला हिस्सा भी इसके अंदर जोड़ना है तो ये मेन पैंट प्लाजो लेते हैं हम। इसे हम इस तरह इसके ऊपर रख लेंगे। रखकर ये सेंटर का जो निशान है ये जो बीच का निशान है आपने मैच कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये सेंटर का जो निशान है इसको आप ऊपर तक देख लीजिए कहाँ पे है आपका। तो ये आपकी जो लाइन है सिलाई वाली ये सीधी आ जाएगी और अच्छी लगेगी देखने में और पता भी नहीं चलेगा कि इसको कट करके कैसे आपने लगाया है। इस तरह आप इसे रख लीजिए और बिल्कुल सीधी सिलाई इसके ऊपर मार्जिन देते हुए लगा दीजिए। वैसे ही एक दो पॉइंट का आपने मार्जिन देना है और इसको सिल लेना है सेम जैसे हमने पहले सिला है। अब देखिए इस तरह हमने इसको सिलाई लगा दी है। अब मार्जिन है जो हमारा सिलाई वाला इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह सिलाई लगा देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा ये पैंट प्लाजो का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। इसको बहुत ही आसानी से आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। आपको मेरे पेज पे बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन मिलेंगे जो देखने में थोड़े मुश्किल लगते हैं लेकिन आपको बनाने में बहुत ही आसान लगेंगे क्योंकि मैंने सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर किया है। तो लीजिए पैंट प्लाजो हमारा ये बन गया है। अब हमने क्या करना है, अब इसको हाफ में करके इसकी साइड में सिलाई लगानी है। आप इसे इस तरह फोल्ड कर लीजिए, लेस के साथ लेस को मैच कर लीजिए और जितना पोंचा आपने रखना है जैसे कि आप 6 इंच 5.5 इंच या 7 इंच जो भी आपने पोंचे का मार्जिन लेके कटिंग की हुई है उसको रखते हुए आप एक सिलाई लगा दीजिए और उसके बाद प्रेस कर लीजिए इसको। इस तरह हमने यहाँ पे 6 इंच पोंचा रखना है तो इसको 6 इंच रखकर मैं सिलाई लगा रही हूँ। और ये जो ध्यान रखिएगा जो ये लेसेस हैं ये आपस में मैच हो जानी चाहिए, अगर अनइक्वल होंगी तो पीछे से ये बुरी लगेंगी देखने में। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करके हम जैसे इसको पैंट को प्रेस करते हैं वैसे इसको प्रेस कर लेंगे। फिर आप देखिएगा इसकी जो लुकिंग आएगी इसकी जो ग्रेस होगी वो देखते ही बनेगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस पैंट प्लाजो को बनाया कैसे है। तो लीजिए ये हमारा पैंट प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। देखने में जो इसकी ग्रेस आई है बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे देखते ही बनाओगे इतनी मेरी गारंटी है क्योंकि बहुत ही ईजी ये वाला हमारा डिज़ाइन है। जो लोग अभी सिलाई सीख भी रहे हैं वो इसे आसानी से बना सकते हैं। तो लीजिए हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आप और भी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो आपको वहाँ पे मिलेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।